Hello everyone, welcome to Avipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 12 subject English lesson 2 Lost Spring. In this video lecture, we will see some important question answers. So let's start. Answer the following questions. Question 1. How, in your opinion, can Mukesh realize his dream? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपके विचार से, क्या मुकेश अपना जो स्वप्न है उसको वो महसूस कर सकता है? सो आंसर येस, इन माई ओपिनियन ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाई वर्किंग एट सम गैरेज एंड टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ अ मोटर मैकेनिक. सो मेरे विचार से वो जो मुकेश है वो अपना जो स्वप्न है उसको वो महसूस कर सकता है और उसको वो पूरा भी कर सकता है. कैसे? कि वो कुछ गैरेज में जा कर के वो काम करेगा और काम करके वो मोटर मैकेनिक जो उसका स्वप्न है उस स्वप्न को वो पूरा कर सकता है. और दूसरी चीज़ ये है कि वो एक कार ड्राइविंग करना सीखना भी चाहता है तो वो भी वो सीख सकता है अपने प्रयास से, अपनी हिम्मत से, और इस तरह से वो स्ट्रगल करके वो अपना जो स्वप्न है उसको वो पूरा कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चाइल्ड लेबर है, मीन्स चाइल्ड लेबर है यानी बाल श्रम है, वो क्यों समाप्त किया जाना चाहिए एंड हाउ, कैसे? सो आंसर, इट इज़ अ वेरी शेमफुल कंडीशन दैट इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड. जो बाल श्रम है, बाल श्रम समाप्त किया जाना चाहिए, मीन्स बाल श्रम की समाप्ति हो जानी चाहिए. और इसको समाप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? सो ये जो है कि ये जो इट इज़ अ वेरी शेमफुल कंडीशन, यह एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि दैट इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में भारत में बाल श्रमिकों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम है. चाइल्ड वर्कर्स यानी बाल श्रमिक. इट इज़ एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, और ये एक अमानवीय कृत्य है. इनह्यूमन मीन्स होता है अमानवीय, और ये अमानवीय कृत्य है. अ चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर. एक बच्चे को क्या चाहिए, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको ज़रूरत है लव की, प्यार की ज़रूरत है, और केयर की यानी देखभाल की ज़रूरत है. ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स, एंड जितने भी मेजर जो इंडस्ट्रीज़ है, उद्योग है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो सबसे ज़्यादा संख्या में कौन है? चाइल्ड वर्कर्स है यानी बाल श्रमिक ही है. बैंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद, कारपेट इंडस्ट्री इन मिर्ज़ापुर, एंड फाइव वर्क फैक्ट्रीज इन सिवाकाशी. थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर वर्किंग देयर. यहाँ पे कहा जा रहा है कि हज़ारों बच्चे हैं जो वर्क में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जैसे फिरोजाबाद में बैंगल्स इंडस्ट्रीज में, चूड़ियों के उद्योग में, एंड मिर्ज़ापुर में देखिए तो कारपेट यानी जो दरी है उस वाले इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और फायर वर्क मीन्स जो पटाखे बनाने का काम रहता है उस वाली फैक्ट्री में सिवाकाशी में बच्चे कार्यरत हैं. इट इज़ बैन बाय द लॉ, यानी नियम के अनुसार ये बैन है. बट नो एक्शन इज़ टेकन अगेंस्ट सच पीपल, बट कोई भी एक्शन इन लोगों के खिलाफ नहीं लिया जा रहा है. स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन, ओनली एग्जाम्पलरी पनिशमेंट कैन पुट एन एंड टू दिस शेमफुल प्रैक्टिस. और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, और बिना सख्त के एक्शन लिए ये जो कुकृत्य है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता. सो इसलिए यह कहा जाता है कि जो बाल श्रम है यानी चाइल्ड लेबर है उसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, और इस तरह से हम चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर सकते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़. यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों के द्वारा, लोगों का गांव से शहर की ओर पलायन होना यानी माइग्रेट होना, होने का कौन कौन सा कारण हो सकता है? सो आंसर, द रीजंस फॉर माइग्रेशन आर मेनी, मीन्स
माइग्रेशन यानी पलायन की कई सारे रीजंस है, कई कारण हैं। देयर फील्ड एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय फ्रिक्वेंट स्टॉर्म्स। पहला ये है कि उनके जो खेत है, फील्ड है यानी खेत है, और उनके जो घर है वो बह गए हैं। स्वेप्ट अवे मीन्स बह गए, किससे? स्टॉर्म से, यानी तूफान से, आंधी से, बाढ़ की वजह से बह गए। इसकी वजह से लोग जो है गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं। दे हैड नथिंग टू ईट, और उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। दे अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन द विलेज। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे जो लोग हैं वो अपनी परंपरागत, अपनी जो पारंपरिक जो कलाएं हैं उनसे वो लोग डिस्ट्रक्ट होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो लोग गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द सिमिलैरिटीज यू सी इन साहिब एंड मुकीस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिमिलैरिटी मींस क्या क्या समानताएं हैं किन में, साहिब और मुकेश में। साहिब और मुकेश दोनों की स्टोरी अलग अलग है, बट इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो सिमिलर है, जो समान है, सो उसके बारे में बताना है। आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ साहिब एंड मुकेश वर चाइल्ड लेबरर्स। सबसे पहली चीज़ ये है कि दोनों क्या है, बाल श्रमिक है, चाइल्ड लेबरर्स है। वन इंगेज इन रैग पिकिंग एंड देन वेंट टू वर्क इन अ टी स्टॉल, द अदर वर्क in a hazardous condition in a bangle making factory in Firozabad respectively। जो पहला लड़का है यानी साहेब आलम वो कहाँ काम कर रहा था, गार्बेज में यानी कूड़े कचरे में रैक पिकिंग का काम कर रहा था, और उसके बाद वो टी स्टॉल में काम कर रहा था। दूसरा लड़का है वो कहाँ काम कर रहा था, वो फिरोजाबाद के एक बैंगल फैक्ट्री में, मीन्स अपने परिवार वालों के साथ वो काम करता है, चूड़ी निर्माण करने में लगा हुआ था, और जो कि काफ़ी हैजर्डस मीन्स होता है वो काफ़ी जोखिम भरा काम था। द सेकेंड थिंग कॉमन बिटवीन बोथ द बॉयज वॉज देयर पॉवर्टी। और दूसरी चीज़ ये है कि दोनों ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी वो दोनों काफ़ी गरीब है, और जिसकी वजह से वो लोग स्कूल जाने की बजाय वो काम में लगे हुए थे। सो इस तरह से सिमिलैरिटी है, और सिमिलैरिटी है, दे लिव्ड इन फिल्दी कंडीशंस इन देयर हम्बल कॉटेज इन द नैरो स्ट्रीकिंग लेंस ऑफ द लोकेलिटीज। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बोथ साहिब एंड मुकेश वॉन्टेड टू राइज अबाउट देयर लॉट एंड इम्प्रूव देयर कंडीशन। और दोनों ही सेम कंडीशन में रह रहे थे, दोनों काफ़ी गरीबी स्थिति में थे, एंड इसके अलावा वे लोग नैरो, बड़े ही संकीर्ण, नैरो और बदबूदार गली में जहाँ पर उनका घर था, मीन्स छोटे से घर में वो लोग रहते थे, और दोनों ये चाहते थे कि दोनों अपने गरीबी को वो लोग ख़त्म करें, और दोनों लगे हुए थे। दे हैड द डेयर टू ड्रीम बिग, साहेब डिज़ायर टू प्ले टेनिस समडे व्हाइल मुकेश वांटेड टू लर्न कार ड्राइविंग, ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, थस ब्रेकिंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली ट्रेडिशंस ऑफ बैंगल मेकिंग। और दोनों क्या चाहते थे, दोनों अपनी जो कंडीशन है उसको दोनों सुधारना चाहते थे। तो जो साहिब नाम का लड़का है वो क्या चाह रहा था, वो चाहता था कि वो एक टेनिस का खिलाड़ी बने, और जिसके लिए वो लगा हुआ था, हालांकि वो कंप्लीट नहीं कर पाया, वो बाद में गिव अप कर देता है, बट उसकी भी इच्छा थी कि वो टेनिस के फील्ड में जाए, टेनिस का खिलाड़ी बने। और दूसरा जो मुकेश नाम का लड़का है वो क्या बनना चाह रहा था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाह रहा था, वो अपना स्वयं का मास्टर बनना चाहता था, और वो उसके लिए काफ़ी लगा हुआ था, वो ड्राइविंग भी सीखना चाहता था। तो इस तरह की सिमिलैरिटीज़ है जो मुकेश और साहिब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी ताकत है जो कि कंस्पायर यानी षड्यंत्र करती है
to keep the workers in the bangle industry of Firozabad in poverty. Means ऐसी कौन सी ताकत है जो ये षड्यंत्र करती है कि जो फिरोजाबाद की इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनको गरीब ही बनाया जाए, मीन्स उनको गरीबी में ही रखा जाए. सो आंसर, देर आर टू डिस्टिंक्ट वर्ड ऑपरेटिंग इन फिरोजाबाद. मीन्स यहाँ पे फिरोजाबाद में दो डिस्टिंक्ट, मीन्स डिस्टिंक्ट मीन्स होता है भिन्न. मीन्स फिरोजाबाद में दो भिन्न संसार है जो कि ऑपरेट कर रहा है. द फर्स्ट वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ फैमिलीज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स. दे हैव बीन एक्सप्लॉयटेड एंड आर कॉट इन द नीट ऑफ पॉवर्टी. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट जो संसार है वो कंसिस्ट करता है उन फैमिली को, उन परिवार वालों को जो कि बैंगल्स यानी चूड़िया बनाने के निर्माण में लगे हुए हैं. एंड दे हैव बीन एक्सप्लॉयटेड एंड आर कॉट इन द नेट ऑफ पॉवर्टी. और वो काफ़ी एक्सप्लॉयटेड है, काफ़ी शोषित हो गए हैं, शोषण किए हुए हैं. एंड वो गरीबी की पॉवर्टी के जाल में फंसे हुए हैं. नेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं. The other world consists of shahukars or money lenders, lenders, the middleman and the policeman. If the young get themselves organized or hauled up by the police. और दूसरा जो संसार है वो उन लोगों का है जो कि जैसे साहूकार है, मनी लेंडर्स है यानी दलाल है, मिडिलटन है यानी बिचौलिया है, और पुलिस वाले हैं, इस तरह के लोग हैं. इफ़ द यंग गेट देमसेल्व्स ऑर्गेनाइज्ड और हॉल्ड अप बाय द पुलिस. अगर ये लोग अपना स्वयं का अगर कोई संगठन निर्माण करेंगे, किसी सहकारी समिति में अगर ये लोग संगठित हो जाएंगे तो ये लोग क्या है, ये लोग विरोध करेंगे, उनको जेल में बंद कर देंगे, बंदी बना लेंगे. दे कांट थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इंटू अ कोऑपरेटिव पावरफुल पीपल कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री हेल्पलेस एंड पुअर. और इस तरह से देखा जाए तो ये जो लोग हैं वो इनको रोक के रखे हुए हैं कि ये अपना स्वयं का कोई संगठन ना बना सके, कोई सहकारी संगठन में ये सम्मिलित ना हो सके, ताकि ये लोग आगे भी ना बढ़ पाए. और इस तरह से ये लोग इन्हीं षड्यंत्रों की वजह से ये लोग पॉवर्टी के जाल में अभी अभी फंसे हुए हैं. सो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन आंसर्स. अब हम देखने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलंकार. वैसे अलंकार के एक से ज़्यादा प्रकार हैं और उनमें से हम तीन टाइप्स को देखने वाले हैं, जिसमें से है सिमिले एंड मेटाफॉर एंड हाइपरबली. इन तीनों के बारे में आज हम देखेंगे. सो फर्स्ट है अलंकार का फर्स्ट टाइप सिमिले, मीन्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार. सिमिले का अर्थ होता है कंपेयर करना, कंपेरिजन. मीन्स दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में यदि हम कंपेयर करते हैं जो कि अलग अलग चीज़ है, और इन चीज़ों के बीच में अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ पे होता है उपमा अलंकार, इट मीन्स सिमिले. और यहाँ पे हम दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एज एंड लाइक का. सो लेट्स सी, लाइक या फिर एज का यूज़ करके हम इसका सिमिले बनाते हैं. जैसे द स्नो लुक्ड लाइक सिल्वर बीट्स ऑन माई कोट. यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक स्नो यानी बर्फ, और किसकी तुलना की जा रही है, सिल्वर चांदी की तुलना की जा रही है. बर्फ एक अलग चीज़ है, चांदी सिल्वर एक अलग चीज़ है, और हम यहाँ पे दोनों की तुलना करते हैं कि जो बर्फ है, ये जो बर्फ है वो ऐसा दिखाई दे रहा है. द स्नो लुक्ड लाइक सिल्वर बीट्स ऑन माय कोट. यानी कि जो कोट में मीन्स स्नो जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, कोट में सिल्वर बीट्स की तरह यानी सिल्वर की मोती की तरह दिखाई दे रहे हैं. इट मीन्स जो स्नो है, स्नो को हम स्नो की तुलना कर रहे हैं चांदी से, तो यहाँ पे होगा सिमिले. नेक्स्ट है मेटाफॉर. मेटाफॉर का मतलब होता है रूपक अलंकार. इट मीन्स यहाँ पे हम तुलना नहीं करते हैं, बट हम
उसको किसी चीज़ को किसी दूसरे में दिखा देते हैं। यहाँ पे होता है मेटाफोर, मीन्स ये सिमिलर की जैसा ही है, बट यहाँ पे हम दो चीज़ों की तुलना नहीं करते हैं बल्कि हम उस चीज़ को कोई दूसरा चीज़ बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम एज एंड लाइक का भी यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, द रोड वॉज अ रिबन ऑफ लाइट। यहाँ पे रोड है, ये जैसे एक सड़क है और इस सड़क को हम क्या बता रहे हैं, ये एक रिबन है। रिबन कोई दूसरी चीज़ है, सड़क एक दूसरी चीज़ है, बट हम यहाँ पे तुलना नहीं कर रहे हैं कि सड़क रिबन जैसी है। यहाँ पे हम ऐसा कह रहे हैं कि जो सड़क है, द रोड वॉज अ रिबन ऑफ लाइट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रोड है, सड़क है, वो प्रकाश का एक रिबन है। मीन्स यहाँ पे हम इसी को ही बोल रहे हैं कि ये जो रोड है ये क्या है, रिबन ऑफ लाइट है। यहाँ पे हम जैसा है मीन्स लाइक है, एज है, ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है मेटाफोर एंड सिमिले के बीच में। सिमिले में हम तुलना कर रहे होते हैं कि ये इसके जैसा है। जैसे जैसे हम बोल सकते हैं कि चांद जैसा चेहरा, तो यहाँ पे हम तुलना करते हैं, बट मेटाफोर में हम कह देते हैं कि वो वही है। जैसे किसी को हम किसी की ताकत को देखते हैं, किसी की वीरता को देखते हैं, तब हम कह देते हैं ना कि वो तो शेर है, शेर। इट मीन्स हम शेर बता रहे हैं किसी इंसान को, तो यहाँ पे हम तुलना नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे होता है मेटाफोर। नेक्स्ट है हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है अतिशयोक्ति। इट मीन्स जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, यानी हम छोटी सी बात को बड़ा करके अगर आप बताते हैं तो वहाँ पे होता है हाइपरबली। सो यहाँ पे एग्जांपल है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गार्बेज है, गार्बेज कूड़ा कचरा, ये अलग चीज़ है, और जो गोल्ड है, सोना है, वो अलग चीज़ है। बट हम क्या कह रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि जो गार्बेज है वो क्या है, सोना है। इट मीन्स जो साहिब आलम है और जो भी उनके जो भी रैक पिकर्स थे, उन लोगों के लिए वो जीवन यापन का साधन था। यानी गार्बेज क्या था, उन लोगों के लिए जीवन यापन का साधन था। बट यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि जो गार्बेज है, ये गार्बेज उन लोगों के लिए क्या था, उन लोगों के लिए सोना था, गोल्ड था। यानी कि हम छोटी सी चीज़ को बड़ा बना के बता रहे हैं, तो यहाँ पर होता है हाइपरबली। तो इस तरह से हमने जाना सिमिली क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, एंड हाइपरबली क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।